हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रवेगा एजुकेशन पॉडकास्ट। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे बीच एक बहुत ही खास मेहमान है। सी इज आवर स्टूडेंट, सी इज निशा फ्रॉम हरियाणा और वो कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और सी हैज जस्ट क्वालिफाई हर जेआरएफ और इसी बार उन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है एंड सी इज फ्रॉम द महेंद्रगढ़। तो स्टूडेंट्स, बिफोर आई जस्ट वॉन्ट टू वेलकम हर, मैं उनके बारे में कहना चाहूंगा कि दैट एवरी स्टोरी हैज डजंट हैव लॉट ऑफ ट्विस्ट, सम स्टोरी हैव वेरी सिंपल स्टोरी, बट इन स्पाइट ऑफ दैट इट इज वेरी सिंपल स्टोरी, यू कैन सी देयर इज लॉट ऑफ हार्डवर्क, डेडिकेशन एंड अ हीरोइज्म बिहाइंड दैट पर्टिकुलर सिंपल स्टोरी। सो निशा की कहानी हम निशा के थ्रू ही सुनते हैं और समझते हैं इस विशेष पॉडकास्ट में। सो आई वेलकम निशा। सो हाय निशा। सो ये निशा है और हमारी स्टूडेंट्स है प्रवेगा एजुकेशन की और इन्होंने जस्ट जेआरएफ क्वालिफाई किया है और अभी आईआईटी दिल्ली में पीएचडी के लिए इनरोल किया है। सो कॉन्ग्रेट्स निशा। ओके, सो निशा, आपको इस पॉडकास्ट में बुलाने का मेन जो मेरा मकसद ये है, ऑब्वियसली हम आपके बारे में आपने कैसे मेहनत किया है वो तो बताना ही चाहते हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप बहुत ही एक सिंपल जगह से हो, बहुत ही मॉडेस्ट फैमिली से हो और उस मॉडेस्ट फैमिली के बाद भी आपने अपने आप को एस्पायर किया कि आप इंडिया लेवल के एग्जाम को क्रैक करो और फिर नेक्स्ट इंटरनेशनल एस्पिरेशन को लेकर जाओ, क्योंकि एक बार जैसे ही आप आईआईटी जैसे जगह पर जाते हो तो आपके इंटरनेशनल एस्पिरेशन जाग जाते हैं। सोनिशा, इसी मोड पर मैं आपसे फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि थोड़ा अपने बेसिक बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बात बताओ और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो माई सेल्फ निशा एंड मैं हरियाणा के एक छोटे से विलेज से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी बीएससी पास में गवर्नमेंट कॉलेज से कम्प्लीट की है, उसके बाद एमएससी मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की है। मेरी फैमिली मतलब छोटी सी फैमिली है, मेरे पापा एक इलेक्ट्रीशियन है और उन्होंने मेरे को बहुत इंस्पायर किया हर एक फील्ड में कि तेरे को जितना पढ़ना है तू पढ़, हम तेरे साथ है, तेरे को जो करना है वो कर। आपके पापा के यानी कि आपके डीएनए में ही कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी छुपी हुई है ना कि बेसिकली आप टेक्नोलॉजी को शुरू से देख रहे हो, अपने पापा को काम करते हुए देख रहे हो। थोड़ा अपनी मम्मी के बारे में बताओ। सर, मेरी मम्मी हाउस वाइफ है और उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। उन्होंने जब भी मैंने बीच में गिव अप करने का सोचा कि अब मेरे से नहीं हो रहा, तो उन्होंने मेरे को हर स्टेप पे मोटिवेट किया है कि नहीं तेरे को करना है, तू कर सकती है, तू कर लेगी हर चीज। तो आपकी फैमिली में और भाई बहन? यस सर, मेरी एक बहन है, भाई है और मेरी दादी है, हम छह। तो पूरी कंप्लीट फैमिली है ना, दादी से लेकर भाई बहन सारे लोग हैं। वेरी गुड। सो निशा, आप मुझे ये बताओ कि आप बहुत ही मॉडेस्ट फैमिली से हो और आपकी पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल से भी हुई है और नॉट अ बेसिक कॉन्वेंट स्टूडेंट है ना, बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल से हुई है और फिर उसके बाद आपने अपनी पढ़ाई शुरू की। जब शुरुआत में जब स्कूल्स में थे या कॉलेजेस में थे तो ये कभी सोचते थे कि एक दिन दिल्ली जाऊंगा या जाऊंगी बेसिकली और वहां पर जाकर के आईआईटी जैसे जगह पर जाएंगे, उसके बारे में कभी दिमाग में आया था? स्टार्टिंग में आईआईटी का तो नहीं सोचा था, पर ये था कि मतलब कुछ तो करना है लाइफ में, कुछ तो करना है, ये दिमाग में था कि कुछ तो करना है। स्कूलिंग में गवर्नमेंट स्कूल था, इतना कुछ नहीं पता था उस टाइम पे कि क्या करना है कैसे करना है, तो ये था कि कुछ करना है। उसके बाद जब बीएससी में आई तो फिर पता चला कि ये चीजें होती है, तो जैसे कि टीचर्स ने भी बताया कि तुम जेम की तैयारी करो, तुम स्टडीज में अच्छी हो, तुम निकाल लोगी, लेकिन कोविड की वजह से फिर मैं नहीं कर पाई थी जेम की तैयारी। उसके बाद फिर ये था कि एमएससी में ही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था, वहाँ पे एंट्रेंस बेस पे एडमिशन होता है, तो वहाँ पे एडमिशन ले लिया। तो वो भी मोस्टली क्योंकि उस टाइम पे कोविड का टाइम था, तो कोविड में गया तो ये था कि एमएससी कोविड में ये था कि न्यूमेरिकल चीजें ज्यादा नहीं हो पाई थी, तो ये था कि अब कोचिंग की जरूरत तो पड़ेगी नेट क्लियर करने के लिए, तो उसकी वजह से फिर तो ज्वाइन। ये चीज हमेशा होता है कि आपको कोई ना कोई एक कहीं भी हो कोई ना कोई आपको इंस्पायर करता है, कोई ना कोई टीचर आपको इंस्पायर करता है, कुछ आपको मोटिवेट करते हैं और ये आपको इन्फॉर्मेशन रहती है कि आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, है ना। तो ये आपके कॉलेज के टीचर्स ने आपको दिया, इंस्पायर किया। सो ये मैं हमेशा कहना चाहता हूँ कि इन जनरल हम लोग अगर किसी स्टूडेंट की स्टोरी देखते हैं तो हम जस्ट उसकी जो फाइनल स्टोरी देखते हैं उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन वो छोटी छोटी बातें जो बहुत ही बेसिक लेवल पर आपको इंस्पायर करती है उसका बहुत बड़ा रोल होता है।
तो इसी कारण मैं कहता हूँ कि जो भी फैकल्टीज या टीचर बहुत ही छोटे जगह पर पढ़ा रहे हैं, सिंपल डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, उनका रोल सोसाइटी को डेवलप करने में बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो ही लोग हैं जो कि आपको इंस्पायर कर सकता है। अगर वो एक बार आपसे बोल दे यार तुमसे नहीं नहीं होगा होगा तो तो फिर मैं आप कुछ सोच नहीं भी कर नहीं सकते, सकता। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो आई रियली थैंक्स टू ऑल देम जो कि इस लेवल पर काम कर रहे हैं और जिस भी लेवल पर सोसाइटी को और स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर आगे बढ़ा रहे हैं। तो तुमने कोचिंग का प्लान क्यों किया? तुम मास्टर्स थी, स्टूडेंट भी अच्छी थी, शायद तुम अपने आगे टॉपर भी, वन ऑफ टॉपर में हो या टॉपर हो। सर कोचिंग का प्लान ये इसलिए था क्योंकि मेरी दो एमएससी थी वो कोविड ड्यूरेशन में हुई थी, तो उसके बाद जो वहाँ पे ये था कि न्यूमेरिकल सही से नहीं हो पाए थे मेरे, लेकिन जो डेट का जो एग्जाम है उसमें है कि आप कितना अच्छे से न्यूमेरिकल सोल्व कर पाते हो, कितने टाइम में सोल्व कर पाते हो, तो ये चीज़ ये अच्छी है। तो मेरे को लगा था कि मेरे को गाइडेंस की जरूरत है, जो मेरे को क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस है जो बता सके कि आपको ये पढ़ना है, इतना पढ़ना है और आपको इस वे में जाना है, तो इसके लिए मेरे को लगा कि खुद से करने से अच्छा है कि हो सकता है ना हो पाए तो है गाइडेंस लेना ठीक रहेगा मेरे एक्चुअली हिसाब से। कोचिंग का रोल जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आपको एग्जाम और आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन दो वो डिफरेंट 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 डायरेक्शन में जाता है। सो इसी कारण जो सिंपल जगह से हैं, जो डिग्री कॉलेज हैं या फिर इवन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही आपको बिली डेरिवेशन बेस्ड पढ़ाई होती है और एग्जामिनेशन टोटली एप्लीकेशन बेस्ड एप्लीकेशन होता है। बेस्ड तो आपने जब कोचिंग ज्वाइन किया, सो जब कोचिंग ज्वाइन करते समय कभी तो ऐसा लग रहा था कि यार पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपके बैच में काफी अच्छे अच्छे स्टूडेंट थे। मुझे याद है आपके बैच में एक स्टूडेंट जर्मनी से आया था, वो भी था, कुछ सर डीयू के भी बच्चे डीयू के भी थे, थे, कुछ अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भी आईआईटी के बच्चे भी थे, आईआईटी आईआईटी के के भी भी कुछ थे बच्चे सर। थे। सो हमारे यहाँ हमेशा ये होता है कि बिल्कुल ही मिक्स होता है। सो उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता था कि बहुत ही सिंपल जगह से आए हैं। सर बिल्कुल होता था क्योंकि वो क्लास में जब वो हाई लेवल के डाउट्स पूछते थे तो स्टार्टिंग में आए तो लगता था ऐसा कि इनको तो इतना सब आता है, मेरे को तो इतना जो ये होता ही मेरे को पता ही नहीं है वो, पर ये था कि हाँ इनके लेवल पे पूछने में मेरे को हो सकता है टाइम लगे पर मैं अपनी मेहनत सो करूंगी। कॉन्फिडेंस था, और ये कॉन्फिडेंस कुछ इसलिए भी आता है क्योंकि जब आप डे वन आते हो और डे टू डे थ्री में जब डे वन से आप इम्प्रूव करते हो तो लगता है कि यस मैं आगे और तो इम्प्रूव कर धीरे धीरे सकते फिर हो। चीजें समझ में आने लगती है, आप करते लगते हो न्यूमेरिकल सोल्व होने लगते हैं, तो ये होता है कि हाँ इस लेवल पे मैं भी तीन पहुंच जाऊँ। वेरी गुड। सो ये सारा होता है। और एक मैं बड़ा ही आजकल इन जनरल बच्चे जब आते हैं तो मुझसे बात करते हैं, और एक्चुअली जब हम क्लासेस लेते हैं तब तो ऑनलाइन क्लासेस भी है, ऑफलाइन भी है, सारे हैं। तो स्टूडेंट्स डिफरेंट स्पेक्ट्रम के होते हैं, मीन्स कोई चेन्नई से है, कोई केरल से है, और आप हरियाणा से हो। सो इन जनरल हमें क्या करना होता है, हमारी जो क्लासेस होती है वो 80% to 70% इंग्लिश एंड इंग्लिश 30% में हिंदी होती है। तो आप चूंकि हिंदी भाषी क्षेत्र के हो, यू आर प्योरली फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड, सो उसमें कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ या फिर उससे कभी परेशानी हुई? सर ये होता था कि मेरे को मतलब इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती थी लेकिन सुनने समझने में उस समय कोई दिक्कत कोई नहीं दिक्कत नहीं होती होती, इन थी, जनरल ऐसा होता है। तो हाँ, तो आप तो उसके कारण पढ़ाई पर कोई उसके नुकसान नहीं कारण हुआ, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं। और कुछ बेनिफिट हुआ इंग्लिश में पढ़ने से? सर इंग्लिश में पढ़ने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, लाइक तो जो बुक्स होती है मोस्ट ऑफ द फॉरेन राइटर्स है जिसकी भी होती है मोस्टली इंग्लिश में होती है। एक जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, इंटरव्यूज देते हो या फिर बाहर अब एडमिशन के बाद फॉरेन वगैरह जहाँ भी जाते हो इंटरव्यू होता है तो सब चीजें इंग्लिश में होती है, तो इंग्लिश तो नेसेसरी है, तो वो आपको एक शुरुआत होती है, स्पेशली अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो तो यू इंग्लिश कैन नॉट बी लोकल, यू हैव टू बी सर। ग्लोबल, है ना? क्योंकि भाई कोई थ्योरी फ्रांस में निकली हुई है वो हमें पढ़ना है, कोई थ्योरी कहीं भी है और उसका बेस्ट कम्युनिकेशन में जिसमें हो सके वो बेस्ट है। तो ये बताओ कि जब तुम सिलेक्शन के लिए पढ़ाई कर रही थी और फर्स्ट अटेम्प्ट तुमने दिया, तो फर्स्ट अटेम्प्ट मुझे याद है तुम्हारा गेट हुआ था, है ना? गेट हो गया और था कुछ मॉडरेट रैंक 1000 के आसपास था, लेकिन नेट तुम्हारा नहीं हुआ था। कितने मार्क्स से नेट छूटा था? सर, नेट 3 मार्क्स से नेट थ्री लगे मार्क्स थे से नेट छूटा था। और मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ कि देखो लड़ाई तो उसी के बीच में है जिसके 1 or 2 or 3 मार्क्स से छूटते हैं, है ना? तो वो ऐसा क्या कारण था? देखो अगर आपका 3 मार्क्स से छूटा तो 10 मार्क्स एक्स्ट्रा भी आ सकते थे। तो जब तुमने नेट का एग्जाम दिया, ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ कि तुम परफॉर्म नहीं कर पाई, थ्रेशोल्ड नहीं क्रॉस कर पाई? सर जब फर्स्ट टाइम नेट का एग्जाम दिया था तो जो 3 आवर्स होते हैं एग्जाम के मैं उनको ठीक से मैनेज नहीं कर पाई थी। वो हुआ ऐसे था कि
मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम लगा दिया, फिर टाइम कम था, क्वेश्चन ज्यादा थे, तो मैं नर्वस हो गई कि पता नहीं कैसे होगा, होगा या नहीं। उस चक्कर में बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो गए, मोस्टली लास्ट में 5 मार्क्स का जो पार्ट बता था, पार्ट सी, वो बचा था। तो उसमें कुछ क्वेश्चन आते थे जिसमें सिर्फ अंडर रूट का मिस्टेक हो गया कि 2 आंसर था, रूट 2 आंसर था, तो मैंने 2 लगा दिया, रूट 3 लगाया, तो इस टाइप से इस तरह की गलतियां होती है। और वो एक दो क्वेश्चन भी गलत होता है तो आपको परेशान कर देता है, क्वेश्चन भी गलत हुआ, फिर नेगेटिव मार्किंग भी जाती है, तो उस वजह से फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दिया कि अब तो इतना, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तो फर्स्ट में लेकिन तुम्हारा गेट हो गया था, तुमने गेट के लिए कभी अप्लाई नहीं किया? अप्लाई किया था गेट के लिए, क्योंकि रैंक मेरे को आईआईटी में एडमिशन चाहिए था, लेकिन उस लेवल की रैंक नहीं थी कि मेरे को आईआईटी में एडमिशन मिलता, तो उसके लिए ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर से तुमने तैयारी शुरू की, ठीक है। तो जब आपने फिर से जब तैयारी शुरू की, तो ये तो बड़ा ही चैलेंजिंग रहा होगा ना, कोचिंग खत्म हो गया है और फिर से सेम चीज पढ़ना है और जस्ट 3 मार्क्स से छूट गए। तो मुझे लगता है कि इस समय फैमिली का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, फैमिली एंड टीचर्स, इन दोनों का रोल हो जाता है। तो तुम जरा ये बताओ कि उस समय जब भी परेशान तो हुई होगी 100%, क्योंकि मुझे याद है कई बार तुमसे बात हुई है तो वो मुझे फील हुआ है। सो उस समय फैमिली का क्या रोल था, बिकॉज इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट। सर मैं उसके बाद घर चली गई थी, एग्जाम वो हुआ नहीं था, फिर घर वालों ने बोला कि यहाँ पे सही से पढ़ाई नहीं होगी, तू निकाल, तू कर सकती है, तो ये वापिस आई फिर मैं दिल्ली। तब भी ये रहता था कि मेरे से नहीं होगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा, बीच में मम्मी को बोल देती थी कि मेरे से नहीं हो रहा है, मैं छोड़ रही हूँ, क्योंकि कोचिंग तो आना नहीं होता था, रूम पे पढ़ना होता था, तो बीच में ही होता था कि कभी नहीं पढ़ा जा रहा है, तो मम्मी समझाती थी कि ऐसा मत कर, आने से क्या होगा, वहां पे रह कर ये अटेम्प्ट देख के देख, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो अपना अटेम्प्ट दे, जैसा तरह से हो रहा है उतना कर, ज्यादा स्ट्रेस लेने की कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आपसे भी मिलती थी सर, आलोक सर से भी मिलती थी, ऐसा भी बोलते थे कि आप निकाल सकते हो, तुम बस थोड़ा ध्यान दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्चुअली ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पेरेंट्स बच्चे की सबसे ज्यादा लगाव पेरेंट्स से होती है, और पेरेंट्स सिर्फ इसलिए ही नर्वस, सॉरी बच्चे सिर्फ इसलिए ही नर्वस होते हैं कि उन्हें लगता है कि यार मेरे पेरेंट्स के ऊपर, खासकर मिडिल क्लास फैमिली का जो मैं माइंडसेट देख रहा हूँ, कि बच्चों इतने ज्यादा सेंसिबल होते हैं कि उन्हें लगता है कि यार कहीं मैं अपने पेरेंट्स का पैसा तो नहीं वेस्ट कर रही हूँ, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझसे नहीं हुआ तो फिर, और अब चूंकि अपने गाँव से घर से बाहर आते हो तो 10 तरह के सोशल प्रेशर भी होता है, यार वो तो दिल्ली गए हैं पढ़ने के लिए, है ना। तो इसमें जो पेरेंट्स की मैच्योरिटी है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम करती है, क्योंकि देखो आप चूंकि मीडियोकर स्टूडेंट हो, एवरेज स्टूडेंट हो, तो आपको थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन वो टाइम देना का अधिकार सिर्फ पेरेंट्स के पास होता है, क्योंकि भाई उन्हें पैसे भी देने होते हैं, टाइम भी देने होते हैं, और आप जिस सोसाइटी में रहते हो उसमें डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस भी होते हैं। तो तुम्हारे पेरेंट्स ने इसमें फुल्ली सपोर्ट किया, इसी कारण तुम आज यहाँ भी हो, है ना। और टीचर्स का तो रोल हमेशा ही रहता है, कि पेनमैन ने कहा भी था कि भाई टीचर का फर्स्ट रोल ये है कि आप कम से कम बच्चों को क्लास में तो लेके आओ, ऐसा तो मत पढ़ाने लगो कि वो क्लास से ही भाग जाए, है ना। सो फर्स्ट तो ये रहता है कि आप बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करो और फिर आप उसके जो चैलेंजेज है उसको ये करो। तो अब ये मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जस्ट नेट के एग्जाम होने वाले हैं और 5-5 दिन के बाद है, सर कई आपकी तरह स्टूडेंट दे रहे हैं एग्जाम। सो तुमने फर्स्ट बार और सेकेंड बार में क्या ऐसा चेंज किया अपनी स्ट्रेटजी में एग्जाम के ड्यूरेशन, जिससे कि तुम्हारा सेकेंड बार में सिलेक्शन हुआ मेनली फॉर द नेट एग्जाम? सर मेन तो आपका यही रहता है कि आप एग्जाम टाइम में कैसे मैनेज करते हो, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन जैसे मैंने पहली बार में पढ़ा था, लेकिन आपका वो टाइम मैनेज नहीं हो पाता है तो फिर वो एग्जाम नहीं निकल पाता है। तो मैंने अपना किया था कि मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को पार्ट ए पे इतना टाइम लगाना है, पार्ट बी पे इतना, पार्ट सी पे इतना, वो फिक्स था कि इतना टाइम लगाना है, इतने टाइम में अगर 1-2 क्वेश्चन उस पार्ट के छूट भी रहे तो मैं डायरेक्टली नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर जाऊंगी। तो टाइम मैनेजमेंट का ये था कि, और पहले ये था कि जो क्वेश्चंस मैं कम्प्लीटली श्योर हूँ कि ये हाँ ये जो कम्प्लीटली आते हैं वो वाले क्वेश्चन करना, उसके बाद जिनमें थोड़ा डाउट है फिर उन पे जाना, उनको रिमार्क में डाल देना, तो टाइम मैनेजमेंट इस टाइप से किया। ठीक है। सो एक तो तुमने टाइम मैनेजमेंट किया, लेकिन उस टाइम मैनेजमेंट के पीछे जो पूरी स्टोरी रही होगी वो तो तुम्हारा प्रैक्टिस रहा होगा, टेस्ट रहा होगा, तो वो आपने किस तरह से किया जरा वो बताओ सर। जो प्रवेगा की टेस्ट सीरीज है,
सबसे बड़ा रोल तो सर उसी का ही है क्योंकि उसमें मैंने सारे टेस्ट दिए सर, पहली बार दिए थे, मतलब ये था कि एक बार में दिए, फिर जो जो मेरे से मिस्टेक हुई थी मैंने दूसरी बार भी टेस्ट दिए, और जो टाइम मैनेजमेंट है वो टेस्ट के थ्रू ही होता है। 3 घंटे आप बैठते हो तो आपको पता चलता है कि आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो और क्या कर रहे हो, तो इसमें टेस्ट सीरीज का रोल, टेस्ट का सबसे बड़ा रोल मेरे हिसाब से ये होता है कि आपको अपना गुड पॉइंट और बैड पॉइंट, कहां आप कंफर्टेबल हो, कहां कंफर्टेबल नहीं हो, कहां आपको कितनी और मेहनत करनी है, इसका पूरा खाका निकल जाता है। और सर जो प्रवेगा के टेस्ट सीरीज होते हैं वो मोस्टली मतलब जो एग्जाम बेस्ड होता है उसी टाइप से एग्जाम होता है कि इतने क्वेश्चन इस पोर्शन से आ रहे हैं, इतने क्वेश्चन इस पोर्शन से और इस चैप्टर से आ रहे हैं, तो उसमें आपको पता चल जाता है जब क्वेश्चन करते हो कि आपका ये चैप्टर वीक है तो इस पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ओके, एंड उसके बाद हेल्थ, सर हेल्थ तो बहुत ही जरूरी है, अगर हेल्थ ठीक नहीं होगी तो एग्जाम में आप प्रॉब्लम भी हो जाता है। यहाँ से स्टार्टिंग में आई तो मेरी हेल्थ मतलब ये था कि खाना सूट नहीं हुआ था तो हेल्थ उस वजह से खराब होती थी, पर ये कि हेल्थ सही रखना ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसके बिना ना तो क्लास सही से हो पाती है, फिर रूम पे जाके भी नहीं पढ़ा जाता है अगर हेल्थ। सो ऑब्वियसली पढ़ाई तो करनी है बट हेल्थ को ध्यान में रख करके करना और मोटिवेटेड रहना है, हमेशा ये नहीं कि हमेशा नेगेटिव सोचते रहो और परेशान रहो, मोटिवेटेड रहना है, फोकस रखना है अपने गोल की तरफ। और जब तुमने एग्जाम दिया उसके बाद फिर रिजल्ट आया, तुम क्वालिफाई, और साल तुम्हारे गेट का भी रैंक इंप्रूव हो गया। गेट का क्या रैंक था सर? मेरा गेट का रैंक था 575। तो गेट में भी आपने इंप्रूव किया। तो अब ये बताओ आफ्टर सिलेक्शन घर में तो सारे लोग खुश हो गए होंगे, है ना? जयराम आ गया, गेट का रैंक था 523। 523 एनीवे अप्रोक्सीमेटली 5 है ना। सो बेसिकली फिर घर में सारे लोग, लेकिन नेक्स्ट चैलेंज आया होगा आपका इंटरव्यू का, है ना? तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे किया सर? इंटरव्यू में ये था कि जो एग्जाम होता है वो मोस्टली न्यूमेरिकल बेस पे होता है, जो 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 एग्जाम जो कंपटीशन एग्जाम होता है न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, जो आपको इंटरव्यू देता है वहाँ पे आपके कंसेप्ट देखे जाते हैं कि आपको कितना कंसेप्ट है, आपका कितना पोर्शन, कौन सा पोर्शन वीक है कौन सा नहीं है, तो उसमें आपको कंसेप्ट वाइज पढ़ना पड़ता है। हालांकि प्रवेगा में करवाते हैं दोनों चीजें साथ साथ चलती है, कंसेप्ट भी पढ़ाते हैं और न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल भी चलता है। हाँ, तो उसके लिए फिर ये है कि बुक रीडिंग भी जरूरी हो जाती है उसके लिए। तो मेरे पास रिजल्ट आया, इंटरव्यू तक का टाइम था, मैंने मॉक इंटरव्यू भी दिया था प्रवेगा में जो मेरा ठीक नहीं रहा था, तो उसके बाद मैंने था कि अभी जो बुक रीडिंग करने की मेरे को जरूरत है, ये चीजें करने की जरूरत है, तो उसके बाद फिर मैंने बुक रीडिंग्स की, फिर इंटरव्यू दिए थे, मैंने डीयू का दिया था, आईआईटी दिल्ली का दिया था, रुड़की का दिया था, सारे जगह सिलेक्शन हो गया। सो अभी तुम आईआईटी दिल्ली में एडमिशन ले चुकी हो, है ना? कल ही तुम्हारा सारा फाइनल डॉक्यूमेंट वगैरह जमा हो गया। ओके, सो क्या तुम्हारा आगे का टॉपिक है पीएचडी के लिए? किस चीज को लिया तुमने? पीएचडी का मेरा टॉपिक है कोल्ड एटम क्वांटम टेक्नोलॉजी। ओके, तो उसमें क्या करना है, कुछ आइडिया है अभी? यस सर, उसमें मेनली लेजर का वर्क है, आप लेजर के थ्रू जो एटम्स है उनको कोल्ड स्टेट में लेके जाते हो। ओके, ओके। उसमें फिर क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट, क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट की प्रॉपर्टी जो चेंज कर दो, क्वांटम कम्युनिकेशन में भी यूजफुल होती है। अच्छा, तो आपका थ्योरेटिकल है या एक्सपेरिमेंटल? एक्सपेरिमेंटल है। किसके अंदर कर रहे हो पीएचडी? बोध आदित्य साथ। ओके, सो ही इज आल्सो वेरी गुड फैकल्टी एट आईआईटी, है ना? सो ये तो हो गई बात, व्हाट नेक्स्ट सर? अभी ये है कि अभी तो पीएचडी अच्छे से करनी है, उसके बाद अभी तो ये सोचा है कि अगर मतलब इसी चीज में जानना है तो कहीं बाहर से अच्छी जगह से फिर आके पोस्ट डॉक के लिए भी प्लान कर रही है, तो उसके लिए तुम्हें अभी से ही सारा काम करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली अब तुम एक लेवल पर आ चुकी हो, तो सो ये बताओ, अ गर्ल फ्रॉम महेंद्रगढ़ टू आईआईटी दिल्ली, ये पूरी ट्रांजिशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग तुम्हें क्या लगता है? सर मोस्ट तो यही है कि अपना गोल सेट करो स्टार्टिंग में, और जो आपने गोल सेट किया है बस उस पर आप चलते रहो, हो सकता है आपका एक बार में ना हो, दो बार में ना हो, लेकिन एक टाइम होगा कि आपको हो जाएगा। मेनली इम्पोर्टेंट है कि आपको सपोर्ट मिले, चाहे वो फैमिली का हो, चाहे फ्रेंड्स का हो, टीचर्स का तो होता ही है सर, वो मिलता ही है सपोर्ट। बिल्कुल, फैमिली और फ्रेंड्स भी, मैं मुझे जहाँ तक पता है आपके फ्रेंड भी काफी अच्छे हैं। यू हैव 3 गर्ल्स जो कि साथ में आप हमेशा तैयारी किए हो। बिल्कुल बिल्कुल, और एक ही जगह से तुम लोग पढ़ाई भी किए थे। सो ऑब्वियसली मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो, आपको कोई भी सक्सेस पाने के लिए कोई वियर्ड काम नहीं करना है। जैसा इन जनरल लोग ये सोचते हैं कि नहीं, अभी मुझे सक्सेस करना है तो अब मैं दुनिया से अलग हो गया। सो मैं तो तुम्हारी, जब मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कर रहा था तो मैं यही कहना चाह रहा था कि आप सिंप्लिसिटी से एक बेसिक डिसिप्लिन बना करके भी बहुत अच्छा कर सकते हो, उसके लिए आपको बहुत ही वियर्ड होने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज वेरी नाइस थिंग। मैंने कभी भी ये नहीं देखा तुम्हारे अंदर कि तुम बहुत आउट ऑफ वे जाके कुछ कर दिया। यू आर जस्ट
इनफैक्ट अटेंडेंस, जहां तक मेरा सबसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह होता है, मैं देखता हूँ कि किस स्टूडेंट का अटेंडेंस क्या है। और मैं बहुत ही प्राउडली कह सकता हूँ कि निशा की अटेंडेंस ऑलमोस्ट 95% रही होगी इन अ क्लास, है ना। क्लास तो ये था कि क्लास तो कंप्लीटली लेनी है, लेनी है। अगर क्लास छूट गई, एक दिन का छूटता है तो आगे का भी दिक्कत हो जाता है। नया चैप्टर जो स्टार्ट होता है तो पूरा चैप्टर जाता है। बिल्कुल। तो ये कि अगर तबीयत भी खराब होती है, रूम पे भले जाके ना पढ़ो पर क्लास तो क्लास करना है। तो फर्स्ट तो यही होता है कि आप अटेंडेंस आपका मेंटेन रखो और फिर इम्प्रूव करते रहो बाय क्लास, बाय डाउट, बाय ये, और फिर अपने गोल पर चले जाते हो। सो स्टूडेंट्स, अगर आप निशा को देख रहे हो और इसे सुन रहे हो तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है चीजें। ये जरूर है कि आपको हार्डवर्क करना रहेगा, डेडिकेशन करना रहेगा, डिसिप्लिन करना रहेगा, और आप एक एवरेज माइंड को भी लेकर आप उस जगह पर जा सकते हो जहां पर बहुत आउट ऑफ वे लेवल के स्टूडेंट होते, क्योंकि IIT इट्सेल्फ इंटरनेशनल ब्रांड, तो आप बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचे हो। सो लास्ट में निशा, जो नेक्स्ट, देखो हम लोग जब सक्सेस पाते हैं तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है ना, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने काम के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, और अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो आपसे जूनियर हैं, जो कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे, या फिर हरियाणा में बच्चे बहुत ही ज्यादा पढ़ाई करते हैं और उनका डेडिकेशन रहता है, सो उसके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए यही मैसेज है कि आप कहीं से हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आप अपना गोल सेट करो और उस चीज में लगे रहो। हो सकता है आपको एक बार में, दो बार में सक्सेस ना मिले, लेकिन एक टाइम पे आपको सक्सेस मिलेगी। अपना पाथ डिसाइड करो और उसको बीच में मत छोड़ो, आपका कंप्लीट करो। डिसिप्लिन, हेल्थ और बाकी इमोशन सबको मोटिवेटेड रख करके, है ना। सो थैंक यू निशा, है ना, थैंक यू फॉर वंडरफुल पॉडकास्ट। मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वैसे बच्चे, देखो हर बच्चे के पास हर चीज नहीं होता है ना, तो वैसे बच्चे जो कि एस्पायर तो करते हैं आगे जाने के लिए, बट उन्हें जस्ट अपने मेहनत और हार्डवर्क से ही आगे जाना है, उनके पास बहुत ज्यादा इनिशियल रिसोर्सेज नहीं होता है ना। तो उसकी बेस्ट एग्जांपल निशा है, एंड आई ऑल्सो विश हिम लक। और कल के दिन मैं तुम्हें देखना चाहूंगा MIT में, हार्वर्ड में, है ना, उस जगह से जाओ, स्विट्जरलैंड जाओ, डिफरेंट जगह पर जाओ, वहां से पोस्ट डॉक करो और फिर आगे जा करके जहां भी रहो। सो पता है तुम आगे जो भी करोगे अच्छा करोगे। तो ऑल द बेस्ट, ठीक है, ओके, थैंक यू।